एक तरफ जहां टीम इंडिया 5 जून से अपने वर्ल्ड कप मैचों का आगाज करने वाली है, वहीं इसी बीच बीसीसीआई ने एक क्रिकेटर को 3 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। जी हां, बीसीसीआई ने उभरते हुए बेहतरीन फील्डर के साथ साथ एक बेहतरीन बल्लेबाज उत्तर प्रदेश की ओर से खेलने वाले और कोलकाता नाइट राइडर्स के बेहतरीन खिलाड़ी रिंकू सिंह के ऊपर 3 महीनों का बैन लगा दिया है। दरअसल आबूधाबी में एक अनऑथराइज T20 लीग में खेलने की वजह से रिंकू सिंह पर यह बैन लगाया गया है। बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक जो खिलाड़ी बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में है, उसे किसी भी तरह के विदेशी लीग में खेलने से पहले बीसीसीआई की अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन रिंकू सिंह ने बीसीसीआई को सूचित किए बिना ही आबू धाबी में हो रहे T20 लीग में खेला, जिसके बाद उनके ऊपर यह बैन लगाया गया है। उनके ऊपर यह बैन अगस्त 31 तक रहेगा, उसके बाद ही वो इंडिया ए या और भी कोई मैच खेल पाएंगे। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए NKP स्पोर्ट्स चैनल।